और दिल्ली के बुराड़ी इलाके में एक ही परिवार के 11 लोगों की मौत के मामले में लगातार चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। मौके से मिले सबूत और परिस्थितियों के आधार पर पुलिस इसे सामूहिक आत्महत्या का मामला मान रही है। वहीं घर के अंदर एक साथ 11 लाशें मिलने के बाद इलाके के लोगों में दहशत का माहौल है। इनका कहना है कि वक्त के साथ सब भूल जाएंगे। बुराड़ी के संत नगर की ये गली 1 जुलाई के बाद से भूतिया बन गई है। घटना के बाद इलाके और भाटिया परिवार के घर के आसपास सन्नाटे का माहौल है। लोगों के अंदर एक अजीब सी दहशत है। कुछ लोगों ने भाटिया परिवार के घर को भूतिया घर भी कहना शुरू कर दिया। इलाके के लोगों से जब इस बारे में बात की गई तो उन्होंने बताया कि फिलहाल तो भाटिया परिवार के घर के आसपास मीडिया और पुलिस का जमावड़ा है। इलाके के रहने वाले पिंकी सहगल का कहना है कि लोग उस घटना को भूलना चाहते हैं, पर मीडिया बार बार इसी घटना को दिखा रही है, इससे भूलना मुश्किल हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, कोई मेरे भाग रहा है नहीं भाग रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने भी और मैं इस प्लॉट के लिए आया था, मेरे को किसी ने कहा कि ये प्लॉट बिक रहा है, मैं तुरंत आया, मैंने पूछा, सबने कहा नहीं बिक रहा। जिसको जो ऑनर है ना, उसने साफ इनकार कर दिया कि नहीं बिक रहा। और बाकी जो इधर उधर आसपास, देखो 11 लाशें अगर लटकी होंगी तो हर कोई आसपास में सोचेगा, 10 बार सोचेगा कि हमें नहीं रहना। डर लगता है, बच्चे सबके होते हैं, डर लगता है। मैं भी हूँ, आप भी हो, अगर आप भी अकेले अगर मेरी फैमिली सामने लगे रह रहे हो तो आप भी डरोगे। संतनगर में रहने वाले लोगों के मुताबिक भाटिया परिवार के घर के सामने से गुजरते हुए एक अजीब सा डर महसूस होता है। अंधेरा होने के बाद लोग इस घर के आसपास जाने से बचते हैं। बताया जा रहा है कि घटना के बाद से बच्चों में ज्यादा दहशत है। इलाके के बच्चे अकेले छत पर जाने और शाम के वक्त घरों के बाहर निकलने से घबरा रहे हैं। भाटिया परिवार के घर के आसपास ज्यादातर मीडिया कर्मी या पुलिस की टीम ही दिखाई देती है। कोई डर नहीं है लोगों में? नहीं, दहशत का माहौल तो है लोगों में। इतना बड़ा हादसा हुआ है बुराड़ी अपने क्षेत्र के अंदर, और जो मीडिया बार बार कवरेज कर रही है 10-15-20 मिनट में यही न्यूज आ रहा है, तो लोगों में फिर रिपीट होगा, फिर माइंड में मेकअप नहीं कर पा रहे लोग। मीडिया अगर सर कवरेज कम करेगी तो मेकअप का लोगों का ब्रेन फिर वॉश हो जाएगा, फिर लोग भूल जाएंगे इस चीज़ को। मतलब वक्त के साथ लोग वक्त तब्दील हो जाएगा मेरे हिसाब से तो। बाकी ऐसा नहीं है कि ज्यादा कुछ है भाई, लोग डर तो रही है, इसमें तो कुछ दो रहे नहीं, बच्चे हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे। जैसे पुलिस के मुताबिक अंधविश्वास ने इस परिवार की जान ली। घर के अंदर धार्मिक बातें लिखी हुई कुछ रजिस्टर और 11 पाइपों के अलावा 11 की ही संख्या की कई चीजें मिलने के बाद इस केस की जांच तंत्र मंत्र से जुड़ी कड़ियों की तरफ मुड़ गई। जैसे जैसे इस केस की जांच आगे बढ़ती जा रही है, इलाके में डर का माहौल बढ़ता जा रहा है। अनिल कुमार सिंह, टोटल न्यूज़, दिल्ली।